दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। आज पटना के स्टेशन परिसर के बाहर नियोजित शिक्षक एक अनूठे तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। बताता चलूं मैं आपको कि नियोजित शिक्षक पिछले कई हफ्ते से अपने समान वेतन के मांग को लेकर पटना में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अनूठे किस्म का प्रदर्शन शिक्षकों ने किया कि भिखारी के तरह कटोरा में और बॉक्स में स्टेशन के बाहर भीख मांगते देखे गए। और उन्होंने यह भी कहा, शिक्षकों ने कहा कि TIT TET पास शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि समान वेतन दिया जा सकता है, मगर बिहार सरकार शिक्षकों के साथ सतेलापन व्यवहार दिखा रही है और शिक्षकों को किसी भी तरह का सुविधा मुहैया नहीं कराती है। 15-16 लाख रुपया महीना मिलता है, इससे क्या होगा। अन्य राज्यों में नियोजित शिक्षकों को सामान्य शिक्षक का सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जा चुका है। बिहार सरकार के नाकामी के कारण इस प्रकार की स्थिति है। आंदोलन कर रहे शिक्षकों और भीख मांग रहे शिक्षकों के बातों से स्पष्ट यह झलकता दिखा कि शिक्षकगण पूर्ण रूपेण नीतीश कुमार पर बिगड़े हुए हैं और स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार नीतीश कुमार को चुनाव में ईट सीट बजा देंगे, एक वोट उन्हें नहीं मिलेगा। तो अनूठा किस्म का यह शिक्षकों का प्रदर्शन आज भीख मांगने का देखा गया। यह बड़ी लंबी लड़ाई चली आ रही है लेकिन अब तक विराम नहीं लग पाया। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।